ने गुरु माता का छद्म भेष बनाकर छल से गुरुदेव का रथ चुरा लिया है। कौन हो सकता है ये, मुझे पता लगाना ही होगा। देवेश्वर, हनुमान की शिक्षा में पुनः बाधा डालने का प्रयास हो रहा है। इस प्रकार तो हनुमान की शिक्षा कभी पूर्ण ही नहीं हो पाएगी। देवेश्वरी, पुष्प कंटकों के मध्य रहकर भी जब खिलता है तो अपनी सुगंध से संसार को आनंदित करता है। जीवन में आने वाली बाधाओं का सामना करने वाला ही दृढ़ बनता है। हर छोटी बड़ी बाधाएं मनुष्य को कोई ना कोई सीख अवश्य देती है। हनुमान को भी इन बाधाओं का सामना करते हुए कोई नवीन सीख अवश्य प्राप्त होगी। सबको स्मरण रखना चाहिए कि जीवन में जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। यहाँ तो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कौन हो सकती है वो, गई कहाँ है रथ लेकर? रथ तो यहाँ कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे शीघ्र ही गुरुदेव को इसकी सूचना देनी होगी। बहना अति उत्तम, एक वास दो आ तीन प्रहार। पहला प्रहार उस वानर बालक की शिक्षा रुकेगी, दूसरा प्रहार तुम्हारा यज्ञ पूर्ण होगा, और तीसरा प्रहार और तीसरा प्रहार आप बड़े उतावले हो रहे हैं वरुण देव, समय आने पर आपको तो ज्ञात हो ही जाएगा। देखा मेरी बहन पातालिका की विशेषता। हाँ लंकेश, असंभव को भी संभव कर दिया इन्होंने तो। अब सूर्यदेव के ना निकलने से जगत अंधकार में हो जाएगा, हाहाकार मचेगा, उथल पुथल होगी। अब ये सूर्य रथ यहीं रहेगा। वरुण लोक में रहेगा। वरुण लोक में, अर्थात यहां? क्यों, क्या आप इस रथ का उत्तरदायित्व नहीं ले सकते? कोई और शक्तिशाली वरुण देव के मस्तक पर सवार राहु अपना कार्य भली भांति कर रहा है। अवश्य लंकेश, मैं इस दिव्य रथ की रक्षा के लिए एक अभेद व्यूह की रचना करूंगा, आप तनिक भी चिंता मत कीजिए। किंतु भैया, पातालिका, तुम अशोक को लेकर पाताल लोक पहुंचो। जैसी लंकेश की आज्ञा। बहन पातालिका, आप इस रथ को एक और खड़ा कर दीजिए जिससे कि मैं इसकी सुरक्षा के लिए एक व्यूह की रचना कर सकूं।
भैया ये आप क्या कर रहे हैं? मैं तो ये देवता ही, रथ इसके पास छोड़ने पर ये सूर्य देव को रथ लौटा भी तो सकता है। हमें इसे अश्वों सहित पाताल लोक ले चलना चाहिए। यही तो हम चाहते हैं। कि सूर्य देव को ज्ञात हो जाए कि रथ वरुण लोक में ही है। क्या? तो फिर इस सबका क्या लाभ? बहना, अश्व तो तुम्हारे पास ही रहेंगे। अभेद मायावी मंत्रों के कवच में सुरक्षित। किंतु रथ तो मिल जाएगा उन्हें। रथ तो सूर्यदेव अवश्य यहाँ ढूंढते हुए आएंगे, किंतु राहु से ग्रसित वरुण देव उन्हें रथ लौटाएंगे नहीं। तब लगेगा वरुण देव पर चोरी का आरोप, बनेगा एक देवता दूसरे देवता का शत्रु, और तब होगा रावण का तीसरा प्रहार। वरुण देव, वाह, आपके सुरक्षा व्यू ने तो प्रसन्न कर दिया हमें। लंकेश, इस रथ को मेरी इच्छा के विरुद्ध कोई नहीं ले जा सकेगा। यदि कोई प्रयास भी करता है तो उसे मेरी संपूर्ण वरुण शक्ति से टकराना होगा। उचित है वरुण देव, और अब ये अश्व मेरे मायावी सुरक्षा कवच में बंदी रहेंगे। किसी को ज्ञात नहीं हो पाएगा कि अश्व कहाँ है। चलो बहना, तुम्हें भी अपना यज्ञ पूर्ण करना है। आज्ञा वरुण देव। प्रणाम। वानर बालक, अब तक तो केवल तूने रावण के बल का सामना किया है। रावण के छल बल को तूने देखा कहाँ है? असंभव है ये। मेरा रथ चुराने का दुस्साहस किसने किया है? गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, मैंने देखा है उन्हें। वो गुरु माता के भेष में कोई राक्षस स्त्री थी। मेरे रोकने से पूर्व वहां से विलुप्त हो गई वो। मैंने उन्हें ढूंढा भी, किंतु उनके बारे में कुछ ज्ञात नहीं हो सका। मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुदेव। इसमें तुम्हारी कोई भूल नहीं है वत्स। छद्म वेश से तो देवता भी चले गए हैं। गुरु माता के प्रति तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति भाव का लाभ उठाया है उस राक्षसी ने। किंतु अब तो संकट यह है कि यदि मैं अपने रथ पे नित्य भ्रमण पे नहीं निकला
तो प्रार्थना नहीं होगी। संसार का संचालन अवरुद्ध हो जाएगा, सृष्टि संतप्त हो उठेगी। हनुमान, तुम्हारी शिक्षा भी पुनः आरंभ नहीं हो पाएगी। किंतु गुरुदेव किसी अन्य नहीं हनुमान, वो दिव्य रथ और वो दिव्य अश ही मेरी रश्मियां हैं, जिनसे पूरी सृष्टि को प्रकाश एवं ऊर्जा प्राप्त होती है। रथ को चुराने वाले ने बहुत ही गंभीर अपराध किया है। गुरुदेव, मेरे नेत्रों के समक्ष ही उस राक्षसनी ने आपका रथ चुराया है। वो कहीं भी गई हो, मैं उसे अवश्य ढूंढ के लाऊंगा आपके पास। आज्ञा दे। नहीं हनुमान, रथ की सुरक्षा का दायित्व तुम्हारा नहीं, तुम तो यहाँ एक शिष्य के रूप में हो। हाँ हनुमान, तुम्हारे गुरुदेव सत्य कह रहे हैं, ये कार्य तुम्हारा नहीं है। अब मुझे शीघ्र ही इंद्रदेव के पास जाना होगा, केवल वो ही इस विषय में मेरी सहायता कर सकते हैं, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। मैं स्वर्ग लोक के लिए प्रस्थान करता हूँ देवी संज्ञा, आप इन बालकों का ध्यान रखना। अवश्य स्वामी, प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। संसार पर तो महाविपत्ति आ गई है, गुरुदेव ने मुझे कुछ भी करने से मना कर दिया है, क्या करूं मैं? ओम मनस्तुके तनये मानायुषि मानकोशु मानोशुषु रीरिषा मानविविरान रुद्र भामिनो व्याधीर विष्मन्तः सद्मित वाहवामहे ओम अस्त्राय फटु। दशानन, मायावी मंत्रों में बद्ध ये अश्व अब बलि के लिए ही निकाले जाएंगे। अति उत्तम बहन, अब सब कुछ मेरे अनुकूल हो रहा है। सूर्य उदय न होने के कारण जगत में अंधकार हो जाएगा, आसुरी शक्तियां भी बलवती हो उठेंगी। हाँ भैया, यही समय हमारे अवैदिक यज्ञ के लिए सर्वश्रेष्ठ समय है। फिर विलंब क्यों? शीघ्र ही यज्ञ पूर्ण करो पातालिका, और मुझे परम पद प्रदान कराओ, इससे मेरी मृत्यु सदा सदा के लिए बाधित हो जाए। सृजन और संहार की शक्तियां प्राप्त कराओ, शीघ्र बलि तो नशुओं की। भैया दशानन, ये साधारण अश्व नहीं, दिव्य अश्व है, जो सूर्य देव की सप्त रश्मियां है, जिनकी प्रकाश से सारी सृष्टि आलोकित हो जाती है। इनकी बलि के लिए श्रेष्ठतम मुहूर्त याद कराइए, उचित मुहूर्त में दी गई बलि उत्तम फल प्रदान करती है। उचित मुहूर्त? आप तंत्र योगिनी का आवाहन करके उनसे मुहूर्त का शोधन कराइए, तभी देवी निकुंभला को अश्वों का अर्पण करना उचित होगा। महा मायावी योगिनी प्रकट हो। हे
जय लंकेश, जय लंकेश। जय राम पाटालिका। क्या आज्ञा है मेरे लिए? महामायावी योग ने अपने तंत्र शक्ति से शोध करके बताओ कि हमारे इस अवैधिक यज्ञ में पशु की बलि चढ़ाने का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त कब है? जो आज्ञा लंकेश। लंकेश, इस यज्ञ में बलि देने के लिए सर्वोत्तम मुहूर्त 5 प्रहर के पश्चात केवल 7 क्षण के लिए है, परंतु ज्ञात रहे यदि उस समय बलि नहीं दे पाए तो ये यज्ञ कदापि पूर्ण नहीं होगा। उचित है हम 5 प्रहर के पश्चात ही बलि चढ़ाएंगे। प्रणाम लंकेश। प्रणाम पाटालिका। उग्रदान, आसुरी शक्तियों के अत्याचार तो जगत में आरंभ हो ही चुके होंगे, परंतु तुम दोनों को एक और आवश्यक कार्य करना है। गुरुदेव अभी तक नहीं आए, कदाचित उन्हें रथ नहीं मिल पाया हो। हनुमान किस सोच में है? ये क्या, ये विचित्र मेघ, ये क्या है? प्रणाम गुरु माता, ये मेघ। वो तो मैं भी देख रही हूँ पुत्र, पहले कभी नहीं देखे मैंने ऐसे मेघ। ये मेघ लगता है पिताश्री ने हमारी सहायता हेतु भेजे हैं। नहीं नहीं, मैत्री भाव की गति तो कुछ और ही होती है। ये तुम्हारे पिता के द्वारा भेजे हुए मेघ नहीं है। ये राक्षस है। देवी, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि असुरों का आक्रमण होने वाला है। यहाँ सावधान सावधान।